दोस्तों 2023 में अगर किसी भी बॉलीवुड एक्टर को बॉक्स ऑफिस पर सफलता मिली है तो वो है शाहरुख खान। पठान के साथ बॉक्स ऑफिस पर कमबैक करने वाले किंग खान शाहरुख खान ने इस साल में दूसरी बार बॉक्स ऑफिस पर जवान के साथ कई सारे रिकॉर्ड बना दिए हैं। अब उनकी इस साल की तीसरी मूवी रिलीज होने वाली है जिसका नाम है डंकी, और ये मूवी डायरेक्टर राजकुमार हिरानी की कॉमेडी ड्रामा मूवी होने वाली है जिसका फैंस बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। मेकर्स ने मूवी का इंटरनेशनल पोस्टर रिलीज कर दिया है जिससे सलार के मेकर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया है। शाहरुख खान की डंकी मूवी और प्रभास की सलार आमने सामने फिरते हुए देखने को मिलने वाली है। बॉक्स ऑफिस पर होने वाले क्लैश से पहले डंकी के मेकर्स ने सलार को पटकिनी देने के लिए एक बड़ा दाव खेला है। क्या है वो बड़ा दाव आपको बताते हैं। दरअसल मूवी डंकी और सलार दोनों एक साथ रिलीज होने वाली हैं। दोनों ही फिल्में भारत में 22 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर रिलीज होंगी। दो बड़े स्टार एक साथ बड़े पर्दे पर टकराते हुए नजर आएंगे। ऐसे में डंकी के मेकर्स ने बड़ा दाव खेला है। डंकी मूवी पूरी दुनिया में एक साथ रिलीज नहीं होगी। भारत में रिलीज होने से पहले मूवी दूसरे देशों में रिलीज की जाएगी। मूवी की इंटरनेशनल रिलीज डेट 21 दिसंबर है। इस खबर के साथ सोशल मीडिया पर हैशटैग डंकी ट्रेंड कर रहा है। अब चलिए जानते हैं कैसा होगा डंकी को फायदा। तो दोस्तों साफ है भारत से बाहर लोग इस मूवी को देख लेंगे और अपनी प्रतिक्रिया या फिर रिएक्शन देना शुरू कर देंगे जिससे डंकी के मेकर्स को फायदा होने वाला है, जिसके बाद डंकी मूवी बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा कर रख सकती है। वहीं डंकी मूवी में शाहरुख खान के अलावा एक्ट्रेस तापसी पन्नू, दिया मिर्जा और भुवन ईरानी अहम किरदार में नजर आने वाले हैं। राजकुमार हिरानी के डायरेक्शन में बनने वाली इस मूवी को शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान और ज्योति देशपांडे प्रोड्यूस करेंगी। वैसे दोस्तों आप सब डंकी मूवी के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।